नमस्कार दोस्तों, सुजय एग्री पर आप सबका फिर से स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ 2024 में बरसात के सीजन में कौन सा धान हम लगाए ताकि हमारा पैदावार अच्छा हो, और कौन सा ऐसा हाइब्रिड धान है जो अच्छा है, बहुत ही अच्छा पैदावार होता है, तो कौन सा कंपनी है। तो किसान साथियों का इस विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे तो पूरा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगा VNR कंपनी धान के विषय में, जो कि बहुत ही अच्छा पैदावार दे रहे हैं कई सालों से, तो किसानों का एक पसंदीदा धान है VNR कंपनी का धान। तो आज उसके विषय में मैं बताऊंगा कि कितने दिन का कौन सा धान है और कौन सा धान कैसा पैदावार देता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहो, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। तो दोस्तों, मैं आज दिखाऊँगा आप लोगों को VNR कंपनी के सबसे कम दिन का धान। तो VNR कंपनी का सबसे कम दिन का धान है 2111, फिर भीम 115, यह है VNR कंपनी का सबसे कम दिन का। और एक धान है 2121, जो कि मोटा में आता है, तो यह है VNR कंपनी के सबसे कम दिन का धान। तो मेरे काउंटर में मैं रखा हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसका पैकेट कैसा है पैकिंग। तो दोस्तों, जो है 2111 है, वो मीडियम मोटा है, आप लोग देख सकते हो, ये मीडियम मोटा है 2111। तो दोस्तों, यदि 105 से 110 दिन का आपको धान चाहिए, 3.5 माह का लगभग, तो आप लोग 2111 लगा सकते हो, जहाँ पे आप लोगों का ऊंचा जगह है, ऊंचा जमीन है, जहाँ पानी की समस्या रहती है, तो आप सबसे कम दिन का धान 2111 लगा सकते हो। और यदि आप लोग को मोटा धान चाहिए, तो मोटा में आप लोग VNR कंपनी का 2121 लगा सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया धान है 2121। और उससे 5 से 10 दिन ज़्यादा है भीम 115। इसका पैदावार बहुत ही अच्छा है और इसका कल्ला भी अच्छा निकलता है, तो ये है भीम 115। ये एकदम बहुत ही मोटा धान है। तो यदि आप लोग VNR कंपनी के धान कम दिन का लगाते हो, तो आप लोग भीम 115 ये लगा सकते हो। ये लगभग 110 से 115 दिन का धान है, तो बहुत ही बढ़िया धान है, आप लोग देख सकते हो, भीम 115। तो VNR कंपनी का ये है और एक वैरायटी, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, आप लोग लगा के देखिए, तो आप लोग रिजल्ट के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो दोस्तों, और यदि इससे थोड़ा अधिक दिन का चाहिए, तो आप लोग लगा सकते हो 2233 जो धान है, बहुत ही अच्छा पैदावार देता है, और इसका जो कल्ला है वो अच्छा निकलता है, और इसका बाली भी बड़ा निकलता है, तो आप लोग 2233 इसको लगा सकते हो। ये 4 महीने का धान है, तो 4 महीने का यदि आप लोगों को धान लगाता है, मीडियम जमीन है, तो आप लोग 2233 लगा सकते हो। तो दोस्तों, 2024 में ये जो VNR कंपनी के धान के विषय में मैं जानकारी दे रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा धान है, तो आप लोग इसको लगा के देखें, तो अच्छा पैदावार मिलेगा और आप लोगों का बहुत बेनिफिट आएगा ये धान लगाने से। तो ये है VNR कंपनी के 2233, तो 2233 को आप लोग लगा सकते हो, 2233 तो बहुत ही बढ़िया धान है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को 4.5 माह का धान चाहिए, तो 4.5 माह का धान है 2377, 4.5 माह का 2377 VNR कंपनी का। तो आप लोगों का यदि थोड़ा गड्ढा जमीन है, अगर पानी वहाँ पे अच्छा रहता है, तो आप लोग 2377 लगा दीजिए। 2377 लगाने से आप लोगों का जो पैदावार है बहुत ही अच्छा आएगा, इसका जो बाली है, बाली भी अच्छा होता है, और आपका जो कल्ला है वो भी अच्छा निकलता है। और इस धान में जो है, ये जो मैं धान दिखा रहा हूँ, इसमें जो प्रतिरोधक क्षमता वो अच्छा है, और कम से कम रोग होता है धान में। तो दोस्तों, ये है 2377। अगर आप लोग 4.5 माह का धान लगाते हो, तो आप लोग 2377 इसको लगा सकते हो। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया धान है 2377, तो आप लोग लगा के देखें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो 2377 VNR कंपनी का, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का धान है। और दोस्तों, ये सब जो धान है, ये मोटा धान है, ये सोसाइटी में मोटे में जाएगा, तो आप लोग इसको लगा के अपना बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों, यदि इससे भी अधिक दिन का धान चाहिए, तो दोस्तों आप लोग लक्ष्मी प्लस ले सकते हो। लक्ष्मी प्लस जो धान है, वो सबसे अधिक दिन का धान है, 5 महीने का धान है, 150 दिन का धान है। तो आप लोग
यदि जमीन गड्ढा जगह में है, बहुत पानी रहता है, तो आप लोग लक्ष्मी प्लस को ले सकते हो और लगा सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है उसका। उसका जो कल्ला है वो भी अच्छा है, बाली भी अच्छा निकलता है, तो बहुत ही बढ़िया धान है, आप लोग उसको लगा सकते हो। मेरे काउंटर में अभी नहीं है, मैं नहीं दिखा सकता, तो लक्ष्मी प्लस आप लोग लगा सकते हो। और दोस्तों खाने के लिए यदि आप लोग भीनर कंपनी के धान के बारे में, यदि आप लोग एकदम बारीक धान यदि आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग मिनी भोग भीनर कंपनी का बहुत ही सुंदर एक धान है, प्रोडक्ट है, जो आप लोग लगा सकते हो अपने खेत में और खाने के लिए उपयोग आप लोग कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है भीनर कंपनी के धान के विषय में। तो 2024 में यदि आप लोग बरसात के सीजन में धान लगाते हो, तो आप लोग भीनर कंपनी का धान लगाओ, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर जो नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, कैसा लगा बताएं। तो दोस्तों नए मैं अलग अलग वीडियो एग्रीकल्चर के विषय में देता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट।